उत्तर प्रदेश के बलिया से पंचायत चुनाव को लेकर अनोखी खबर। बैरिया के मुरली छपरा ब्लॉक के शिवपुर करनछपरा गांव के 38 साल के हाथी सिंह ने 25 साल पुरानी भीष्म प्रतिज्ञा तोड़ी। प्रधान पद के लिए और आरक्षित महिला सीट होने पर चुनाव लड़ाने के लिए बिना मुहूर्त शादी रचाई। गांव के विकास के लिए विदेश की नौकरी छोड़ गांव वालों के कहने पर शादी किया। हाथी सिंह ने कहा, महिला सीट होने पर मायूस समर्थकों के कहने पर शादी रचाई है। गाँव का विकास उनका एकमात्र मकसद है। क्या नाम है आपका? अच्छा निधि, आप के पति जो हैं उन्होंने प्रण किया था कि हम विवाह नहीं करेंगे पूरे जीवन। अब उन्होंने अपना प्रण तोड़ दिया, आपके साथ शादी की। क्यों किया आपके साथ शादी उन्होंने? क्योंकि वो पर्दाने लगना चाहते थे, इसीलिए। और जो ये मतलब करना चाह रहे हैं, वो इनका सपना जो है वो हम पूरा करें। अच्छा, इसलिए। तो अब चूंकि महिला सीट हो गई है तो आप चुनाव लड़ेंगी, तो क्या है आपका सपना? मेरा सपना यही है, जो ये चाहते हैं वो हम पूरा करें। गांव में विकास? जी। तो किस तरीके का विकास चाहेंगी आप? जो है लड़की जो होती है उसका अपना सपना होता है शादी का। जब आपके सामने इन्होंने शादी का प्रस्ताव रखा और इन्होंने बताया, मुझे भी लगा कि हाँ करना चाहिए विकास के लिए। अच्छा, आपको खुशी है? जी, ठीक है। परिचय? जी, मेरा नाम हाथी सिंह और जितेंद्र कुमार सिंह, ग्राम पंचायत सिंह करण छबरा, तहसील बैरिया, ब्लॉक मुरली छबरा, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूँ। अच्छा हाथी सिंह जी, इस बार प्रधान के चुनाव में क्या आप चुनाव लड़ेंगे? क्या है आपकी तैयारी? देखिए, 2015 में मैंने चुनाव लड़ा था, उसमें मैंने दूसरे नंबर पर था। इस बार भी मैंने चुनाव लड़ने के लिए जनता के एक सहयोग और मेरे भाई दोस्त लोग बोले कि आप सहयोग के चुनाव लड़ेंगे तो गांव का विकास हो सकता है। हाँ, इसलिए मैं जनता के कहने के अनुसार मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयारी की है। अच्छा, तो फिर क्या हुआ, सीट चेंज हुई, किस तरीके से क्या जी? सरकार द्वारा ये तो था अनारक्षित सीट थी, लेकिन फिर बाद में वो महिला सीट आ गई। अच्छा, तो मेरे दोस्तों और मित्रों और मैं बुजुर्ग नागरिक गण लोग ने बोला कि आप शादी कर लीजिए, तो मैंने उन लोगों के कहना को माना, फिर मैंने शादी करने के मूड बनाई। तो अभी आपकी उम्र कितनी है? 38। अच्छा, तो अभी तक आपने शादी क्यों नहीं किया था? मैं संकल्प लिया था कि मैं शादी करूंगा ही नहीं। अच्छा, तो चुनाव में जब चूंकि महिला सीट हो गई इसलिए आपने शादी की? जी, नहीं, विकास करने के लिए गांव के जनता और मेरे दोस्त मित्रों के कहना था कि अब शादी नहीं करेंगे तो फिर इस गाँव का विकास नहीं होगा और महिलाएँ सीट है, इसलिए मैं गाँव के जनता के कहने के अनुसार मैंने ये शादी की, ताकि मेरे जो भी शादी जिससे हो वो आए और प्रधान पद के प्रत्याशी बने और जीते, ताकि उनके द्वारा मैं गांव का विकास करूं। तो यानी गांव के विकास के लिए चुनाव के लिए आपने अपना प्रण तोड़ दिया? जी। तो कितनी खुशी हो रही है आपको? खुशी तो अपार खुशी है मुझे कि गांव का मैं विकास करूं। जी। गाँव के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा, शिक्षा और वृद्धा पेंशन, विधवा विकलांग पेंशन, सबका मैं योगदान दूं। तो आपने शादी कहाँ पे किया जो है? शादी मैंने छपरा में एक धर्मनाथ जी का मंदिर है जो चर्चित है, वहीं मैंने 7 फेरे लगाकर शादी की। तो क्या आपने पत्नी से, क्योंकि हर पति जो है अपने पत्नी से कई सारे प्रॉमिसेस करता है, बताता है, तो क्या आपने अपनी पत्नी को बताया कि जो है मैं शादी क्यों कर रहा हूँ? जी, शादी करने से पहले उनके परिवारों को मैं बता चुका था और मेरी पत्नी इससे सहमत थी, तो मैंने शादी कर लिया। तो अभी आप जब शादी कर लिए हैं और प्रधानी के चुनाव की तैयारी में भी आप लगे हुए हैं, तो लोगों का क्या कहना है? गांव के लोगों का? गांव के लोग बहुत पसंद हैं, अब वो जो बहुत बधाई दे रहे हैं। गांव के लोग नहीं, पूरे क्षेत्र के लोग मुझे बधाई दे रहे हैं इस शादी करने से, कि जो प्रतिज्ञा किया था मैंने तोड़कर गाँव के विकास के लिए मैंने ये काम किया। थैंक यू। कुल नहीं है इस नाम से, आए तो कुढ़हरे में है। सबसे बड़े गांव के विधवा विधवा विकलांग लोगों का पेंशन बहुत कम है, जो प्रधान द्वारा नहीं किराया गया। वो सब मैंने संकल्प लिया कि ये सब मैं जब प्रधान पद में हूँगा तो मैं ये करूँगा। तो आपके लिए जो है राजनीति में आना सिर्फ एक मतलब व्यवसाय के तौर पर है, शौक के तौर पर है, या एक तपस्या के तौर पर? एक तपस्या के तौर पर है। मैं 2005 से लेकर 10 तक मेंबर रहा हूँ, वार्ड मेंबर 7 का सदस्य भी रहा हूँ कोटा। अच्छा, हाँ, तो इसके बावजूद भी मैंने कोटा को पर कंप्लेन कर गांव के जनता के बीच राशन वितरण भी कराया। तो आप कोई काम करते हैं यहाँ पे या पहले कहीं काम करते थे? नहीं, पहले मैंने 2005 से 10 में मैं मेंबर रहा वार्ड मेंबर, तो मैं विदेश जाने के लिए मेरा वीजा आया था, मैंने विदेश में दुबई में रहा, इसके बाद बहरीन में रहा, मनीला में रहा, कतर में रहा, मैंने बहुत देशों में 7 साल मैंने रहा। 2014 में आया तो मैंने देखा कि सरकार द्वारा बहुत से
पैसा दिया जा रहा है गांव में विकास करने के लिए, लेकिन यहाँ पर कोई कार्य हो नहीं रहा, पारदर्शिता दिखाई नहीं जा रही है। अच्छा, तो मेरा लक्ष्य है कि जब मैं गांव का प्रधान प्रतिनिधि बनूं तो मैं गांव के समक्ष पारदर्शिता दिखाऊं कि गांव में क्या क्या योजनाएं आ रही हैं, क्या नहीं दिया जा रहा है, यही मेरा लक्ष्य है। तो यानी कि जो आरक्षण में जो फेरबदल हुआ उसकी वजह से आपको अपने प्रण को तोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। जी जी, नहीं सर, पब्लिक ने उनको ये पब्लिक ने मुझे मजबूर किया, मजबूर किया पब्लिक ने मजबूर, मैं फिर लड़ना नहीं चाहता था, पब्लिक ने मुझे मजबूर किया कि आप शादी नहीं करेंगे तो गांव का विकास नहीं होगा। पब्लिक के कहने और मेरे दोस्त मित्र बुजुर्ग नागरिकगण थे, उन्होंने कहने के दबाव में मैंने शादी किया। ठीक है, थैंक यू।